अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आपको जुमा मुबारक और आज की खैर बरकत अल्लाह पाक आपको समेटने की तौफीक दे। और आप सब मेरी दुआओं में हैं, जिस जिसने मुझे लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, उन सब के लिए बेहतरीन दुआएं और थैंक यू सो मच। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद आप सबका बहुत शुक्रिया जी। आज मेरी ड्यूटी लगी है किचन में, तो मुझे किचन का काम करना है और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक एवरी डे अ वीडियो फॉर माय व्यूवर्स, बिकॉज बीच में गैप आ जाता है। एक्चुअली एक कज़न का मर्डर हो गया था तो उसकी वजह से गैप आ गया, तो वो भी मैं आपको स्टोरी इंशाल्लाह सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी। भिंडी को मैंने भिगो दिया था और भिंडी और दाल बनाएंगे आज, ठीक है जी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमने नेक काम करके जाना है और कुछ ऐसा करके जाना है कि हम हमेशा हमेशा लोगों के दिलों में रहें। तो नेकी कीजिए, नेकियां फैलाइए, दूसरों की मदद कीजिए। तो मेरी मदद ये कीजिए कि मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हौसले को हौसला दीजिए। थैंक यू सो मच जी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे। पॉट के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर प्याज ब्राउन करेंगे, जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये है जी। चूंकि हमने दो चीजें करनी है ऑयल के अंदर, तो थोड़ा सा क्वांटिटी से ज्यादा ये ऑयल, फिर हम इसको निकाल लेंगे वापस। तो इसके अंदर हम प्याज डाल देते हैं जो कि ब्राउन कर दी जाएगी जी। तो प्याज ब्राउन हो रहा है, इसके साथ साथ हम प्रेपरेशन कर लेंगे दूसरी चीज़ों की, जैसे टमाटर है और हरी मिर्च है। इसका मैं पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के साथ साथ मैंने हरा धनिया भी रेडी कर लिया है, लेकिन ये दाल के लिए है। इसके साथ हम कड़ी पत्ता भी रखेंगे और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ठीक है जी। जी तो प्याज ब्राउन हो रहा है, इसके साथ साथ हम प्रेपरेशन कर लेंगे दूसरी चीज़ों की, जैसे टमाटर है और हरी मिर्च है। इसका मैं पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के साथ साथ मैंने हरा धनिया भी रेडी कर लिया है, लेकिन ये दाल के लिए है। इसके साथ हम कड़ी पत्ता भी रखेंगे और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ठीक है जी। हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का एक टेबल स्पून डाल दिया मैंने। ये तकरीबन मसाला इसका भी रेडी हो जाएगा। ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता भी मैं यूज करती हूँ। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा जीरा, जीरा चाहिए होगा। इसके अलावा हल्दी, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा रोस्टेड गरम मसाला, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, जितनी देर में हमारी प्याज ब्राउन हो रही है उतनी देर में हम भिंडी को काट लेते हैं। ये देखिए, मैं भिंडी काटती हूँ इस तरह रख के, दो दिन कट्ठी रख लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको काट लेती हूँ और उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे डिवाइड कर लूंगी, क्योंकि आज मैं मसाले वाली भिंडी बनाने जा रही हूँ। प्याज हमारी हो गई है और जितनी प्याज मुझे चाहिए थी मैंने रख ली है और बाकी मैंने अलग कर ली है। ये मैं अलग से डालूंगी जब भिंडी तैयार हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर टमाटो पेस्ट डालेंगे तकरीबन टू टेबल स्पून। मतलब मेरे हाथ में टू स्पून है, इसलिए इसको मैं फोर टाइम डालूंगी, ठीक है जी। और ये हो गया, और साथ में हम डालेंगे इसके अंदर मैंने भिंडी शामिल कर दी। इसके अंदर भिंडी मैंने शामिल कर दी है और मसाले के साथ साथ ही ये भी फ्राई होगी। एक्स्ट्रा ऑयल ना इसके अंदर जाए। कुछ ऑयल मैंने ऑलरेडी इसमें से निकाल लिया है प्याज के साथ साथ, और अब इसको मैं फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। और ये हल्की आँच पे फ्राई होगी और वन एक एक्स्ट्रा जलेगी जो मैंने काटी हुई थी। एनीवेज, और आप
आधा कप मैं डालूंगी इसमें मूंग की धुली हुई दाल। करने लगी हूँ अब मैं रोस्ट करने लगी हूँ जीरा और इसके साथ साथ सूखा धनिया। ये तो चूल्हा जलाते और पहले हमने जीरा डाला है, अब हम इसके अंदर सूखा धनिया डालेंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हल्का सा सौते करेंगे। सौते करने के बाद ऐसे 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 सौते करने के बाद हल्का हल्का इसकी नमी ख़त्म हो जाए, खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसको खानों में यूज़ करेंगे। इतना मज़ा आएगा। बस घर में हम लोग सिर्फ चार लोग हैं तो चार लोगों के लिए आधा कप मैंने मसूर की दाल जी तो तकरीबन 1/4 में डालूंगी दाल माश और 1/4 ही डालूंगी छिलके वाली मूंग की दाल। ठीक है जी, इनको धो के और मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। ठीक है, जब सारी चीजें मैंने सेट कर दी इसके अंदर और रेडी हो गया तो अब इसके बाद मैं इसको कुकर लगाऊंगी। कुकर लगेगा, जब कुकर की सीटी बोलेगी तो ये सिर्फ 3 मिनट के लिए, तो 3 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। ये रही इसकी सीटी। ठीक है, तो इसको चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। जी तो व्यूअर्स, ये है हमारी दालें। दालें जो है वो मैंने धो ली थी और दालों से डबल पानी मैंने इसके अंदर डाल के तैयार कर लिया था और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ। ये जी है नमक, मिर्च और हल्दी, जो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून मिर्च है और 1/2 टीस्पून तकरीबन हल्दी है। ये है जी 3, 4, 5 जो है 6, 7, 8 जी, ये काली मिर्च है, ज़ीरा और लाल खड़ी मिर्च है जो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। 2 डाल दूंगी, 2 रख लूंगी 2 बघार के लिए। तो ये सब इसको मैं और इसके साथ ही मैं इसके अंदर लगाऊंगी टमाटर जी। मैंने कुकर रख दिया है, स्टोव ऑन है और जब कुकर की सीटी बोलेगी तो उसके ठीक 3 मिनट के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। उतनी देर में हम लोग भिंडी को चेक कर लेते हैं। सफाई के साथ साथ के साथ, हाथ के हाथ, सफाई निस्फ ईमान है, सफाई को नहीं भूलना जी। तो जी भिंडी भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है और ये जो हमने रोस्ट किया था सफेद धनिया और क्या इसको बोलते हैं, सूखा धनिया और सफेद जीरा, तो इसको हम अब पीस लेते हैं जी। तो बस ये मैंने देखिए पीस लिया है। ओ वाओ, इतना जबरदस्त अरोमा आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं थोड़ा सा 1/4 जो है इसके ऊपर छिड़क दूंगी और ऊपर से ढक्कन दे दूंगी, इसको बेहतरीन खुशबू आएगी इसकी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो भी बस देखते हैं बात है। ये ऑलमोस्ट है, थोड़ी गलती हो गई, सारी हमने इसको खोल दिया बिफोर द टाइम जी। व्यूअर्स ये देखिए हमारी दाल जो है बन के तैयार हो गई है। अब इसको बस मिक्स होना है, अभी देखते हैं और क्या करना है। एक दफ़ा फिर से इसको आग जलानी पड़ेगी क्योंकि एक जान करना है मुझे, तो ये पकना शुरू होगी। तो इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी है, इसको गार्निश भी करना है। ये इसका बघार मैं बना रही हूँ, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। तो इट्स सच अ नाइस हेल्दी फूड। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मैं इसमें यूज करने लगी हूँ, ये इसके अंदर रख के ऐसे थोड़ा
जी तो व्यूवर्स, मैंने दाल को डिश आउट कर लिया, अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी जो मैंने प्याज भगा रही थी, जो प्याज मैंने भगा रही थी और मैंने फ्राई करके रख ली थी, हाफ ऑफ द प्याज। क्या हो गया ओए मियां बच्चा? तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मैंने भगार भी गार्निश कर दिया है इसके ऊपर, और ये रही हमारी भिंडी, और ये था आज का व्लॉग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।